अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। इस दौरान कांग्रेसी सदस्य लगातार हंगामा करते रहे। कांग्रेस विधायक आसंदी के सामने जाकर नारेबाजी करने लगे और किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन 2,79,237 करोड़ के बजट पर आत्मनिर्भरित मध्य प्रदेश की एक झलक देखने को मिली है जो कि पेश हुआ था। बजट में गरीब किसानों और अन्य वर्गों की बात करें तो कई लाभ देने के लिए योजनाएं जो है वो पेश की गई। बजट में सामाजिक न्याय पर फोकस दिखाई दिया, हालांकि बजट में किसी नए टैक्स की बात नहीं कही गई।